मियां डीडो सिंह जामवाल एक बहादुर डोगरा राजपूत थे। मियां डीडो का जन्म 1780 में गांव जगती नगरोटा में जम्मू के इलाके में हुआ था। उनके पिता का नाम मियां हजारा सिंह था। वो बचपन से ही अस्त्र शस्त्र में निपुण थे और बहुत जुझारू और बहादुर थे। कहा जाता है कि त्रिकुटा पर्वत के स्थान पर जहाँ वैष्णो देवी माँ सुशोभित है, वहाँ इन्होंने बिना किसी हथियार के एक बाघ का शिकार किया था। जम्मू पर 1808 में सिखों का कब्जा हो गया। इसी युद्ध में गुम्मट के स्थान पर डोगरा राजपूत गुलाब सिंह भी सिखों के खिलाफ लड़े थे। जम्मू को जीतने के बाद सिखों ने जम्मू में एक बड़ी फौजी छावनी स्थापित कर दी। मियां डीडो ने सिख राज के खिलाफ और साहूकारी शोषण के खिलाफ बगावत की थी। इन्होंने जम्मू के लोगों की न झुकने वाली लड़ाई की भावना का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी सिख राज से बगावत का जनता द्वारा उन्हें पूर्ण सहयोग मिला। इसी कारण इतना बड़ा और ताकतवर सिख साम्राज्य इस बगावत को कुचल नहीं पाया। मियां डीडो पूरी उम्र सिखों से जम्मू की आजादी के लिए लड़ते रहे। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि उनके पूर्वजों की धरती किसी की गुलामी सहे और जम्मू के लोगों से नाजायज कर वसूला जाए। इन्होंने लाहौर दरबार की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और इसके बजाय लाहौर दरबार से जम्मू की आजादी के लिए मरते दम तक लड़ते रहे। जम्मू के डोगरा राजपूत राजा हरि सिंह के 5 बेटे थे। उनमें से एक का नाम दिलीप सिंह था। दिलीप सिंह जी को जगती की जागीर मिली हुई थी। हजारा सिंह का बेटा मियां डीडो सिंह था। दिलीप सिंह की 5वीं पीढ़ी से मियां हजारा सिंह थे। मियां डीडो जब चाहे सिख फौज पर आक्रमण कर देते थे। उनके नाम से पूरे जम्मू के इलाके में सिख फौज में दहशत का माहौल था। उन्होंने कई बार सिख छावनियों पर आक्रमण किया और पूरी छावनी को आग लगा दी और लूट का माल गरीबों में बांट दिया। एक समय ऐसा भी था जब मियां डीडो का काफिला 2000 तक पहुंच गया था। कहते हैं उन्होंने अलग अलग जंगों में अपने हाथ से 300 से ऊपर खालसा सैनिक मारे थे। एक बार सुरिंसर गांव की एक लड़की का अपहरण साथ के गांव के एक व्यक्ति ने कर लिया। लड़की के लाचार पिता ने उस आदमी के खिलाफ जम्मू दरबार में गुहार लगाई। क्योंकि वो आदमी ऊंचे ओहदे पर था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब इस बात का पता मियां डीडो को लगा, उन्होंने न सिर्फ उस लड़की को उसके घर छोड़ा बल्कि उस व्यक्ति को भी ऐसी सजा दी कि उसके बाद कोई ऐसी गलती ना करे। उन्होंने उस आदमी की गर्दन एक झटके में धड़ से अलग कर दी। स्मिथ लिखते हैं कि असली कारण मियां डीडो की बगावत का एक बहुत सुंदर बाज था। कहते हैं महाराजा रंजीत सिंह के पास एक जोड़ा बाज का था। बिल्कुल वैसा ही बाज मियां डीडो जी के पास था। जब इस बात का पता लाहौर में चला तो उन्होंने वो बाज मियां डीडो से लेने के लिए फरमान जारी कर जम्मू भेजा। जम्मू से 13 सिपाही मियां डीडो के घर पहुंचे कि वो बाज लाहौर लेकर जाने आए हैं। बाज आजादी का प्रतीक माना जाता है और मियां डीडो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। मियां डीडो ने उन्हें कहा कि वो खुद बाज को लेकर लाहौर जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू करने से पहले अपना खाना तैयार कर लें, उतनी देर में वो भी तैयारी कर लेंगे। जब सिख सैनिक भोजन बनाने में व्यस्त थे, उतनी ही देर में मियां डीडो ने अपनी पत्नी और बच्चों को बाज सौंप कर पीछे के रास्ते से जंगल में भेज दिया। इससे पहले कि सिपाही कुछ कर पाते, मियां डीडो ने उन 13 में से 11 को यमराज के पास भेज दिया। 2 जख्मी हालत में जम्मू वापस पहुंचे। वहां उन्होंने पूरी कहानी बताई। इसके बाद मियां डीडो ने अपने साथियों के साथ रहकर लाहौर दरबार से पूर्ण उग्र विरोध कर दिया। लाहौर दरबार के लिए जम्मू में कर वसूलना मियां डीडो ने नामुमकिन सा कर दिया था। जब महाराजा रंजीत सिंह को इस बात की खबर पहुंची तो उन्होंने मियां डीडो को कुचलने के लिए 10,000 की सेना जम्मू रवाना की, पर उसे कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद मियां डीडो को पकड़ने की एक के बाद एक सभी कोशिशें नाकाम हो गईं। शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू की रियासत अपने बेटे युवराज खड़क सिंह को दी हुई थी। 1816 में खड़क सिंह मियां डीडो को पकड़ने खुद जम्मू आए। उन्होंने खुद देखा कि पूरा जम्मू का जनसंघ मियां डीडो का वफादार है और जम्मू में खालसा राज की कोई नहीं मानता। खड़क सिंह वापस लाहौर लौट गए और सब जाकर अपने पिता महाराजा रंजीत सिंह को बताया। महाराजा रंजीत सिंह ने दीवान भवानी दास को एक बड़ी फौज के साथ जम्मू जाकर मियां को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा। दीवान भवानी दास की पूरी कोशिश के बाद भी मियां जी हाथ ना आए। इस बीच मियां डीडो के 2 साथी दीवान के हाथ आ गए।
उनसे मियां डीडो के स्थान का पता करने की बहुत कोशिश की गई, पर उन दोनों ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद उन दोनों को अमानवीय यातनाएं दी गईं, पर फिर भी उन्होंने मुंह न खोला। इन यातनाओं के कारण उन दोनों वीरों की मृत्यु हो गई। इस क्रूरता का जम्मू के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसके बाद जम्मू के हर वर्ग ने लाहौर दरबार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। डीडो के साथ में मियां भूपदेव और मियां जवाहर सिंह भी थे। इतिहासकार लिखते हैं कि लाहौर की गद्दी को जम्मू में अपनी हार के बारे में पता था। जब इस बात का महाराजा रंजीत सिंह को पता लगा तो अंत में उन्होंने गुलाब सिंह जम्वाल को जम्मू जाकर इस स्थिति को संभालने के लिए कहा। गुलाब सिंह जम्वाल और मियां डीडो दोनों ही दूर के रिश्तेदार थे। गुलाब सिंह भी राजा हरि सिंह की पांचवी पीढ़ी में थे। सबसे बड़ी बात, गुलाब सिंह भी जम्मू में ही पले बढ़े थे और हर बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे। गुलाब सिंह खुद भी एक राजपूत थे और साथ ही मियां डीडो के रिश्तेदार भी, इसीलिए वो कभी मियां डीडो की मृत्यु नहीं चाहते थे। पर उनके साथ आए अतर सिंह ने अपनी सेना के साथ मियां डीडो को घेर लिया और अतर सिंह के तलवार के वार से मियां डीडो की पगड़ी कट गई। गुस्से में मियां डीडो सिंह ने तलवार के एक ही वार में अतर सिंह के शरीर के दो टुकड़े कर डाले। ये देखकर उन्हें मारने आई उस सेना की टुकड़ी में दहशत दौड़ गई और कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं हुआ। अतर सिंह का कत्ल करने के बाद मियां डीडो ने पहाड़ी पर बैठकर हुक्का जलाया और पीने लगे। तभी मौके का फायदा उठाकर उन सैनिकों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। गुलाब सिंह जम्वाल इस घटना से इतने आहत हुए कि वो जिंदगी भर ग्लानी में रहे। मियां डीडो सिंह जम्वाल के बेटों का पालन पोषण गुलाब सिंह ने अपने बच्चों की तरह किया। मियां डीडो आज भी जम्मू के राजपूतों के लिए हीरो हैं। मियां डीडो की बहादुरी के किस्से जम्मू में आज डोगरी भाषा में घर घर में चलते हैं। जिस तरह से उन्होंने आम लोगों के हक की लड़ाई लड़ी, साहूकारों की लूट खसोट के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए जो संघर्ष किया, वो आज जम्मू का बच्चा बच्चा जानता है। इतना ही नहीं, मियां डीडो दहेज की भी खिलाफत करते थे। मियां डीडो सिंह जम्वाल के कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी जम्मू में गाए जाने वाले अधिकतर लोकगीत मियां डीडो सिंह जम्वाल के ऊपर हैं। और आज भी जम्मू का आम आदमी सरकार से ज्यादा मियां डीडो को खुद के करीब मानता है। इससे ये भी ज्ञात होता है कि जम्मू के लोगों के लिए उनकी इज्जत, उनका मान, उनका स्वाभिमान किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है।